ग्वालियर में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की। शहर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में स्थित कई पब और रेस्टोरेंट्स पर पुलिस ने दबिश दी, जहां कई युवक और युवती शराब और दूसरे नशाखोरी करते हुए पकड़े गए, जिन्हें उनके परिजनों की जानकारी में समझाइश देकर फिलहाल छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने दुकियापे और रेस्टोरेंट के खिलाफ धारा 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आबकारी पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल, रेस्टोरेंट और पब के आड़ में युवाओं को शराब परोसी जा रही है। इसी सूचना पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की और आधा दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को नशाखोरी करते हुए पकड़ा। इससे पहले आबकारी विभाग ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर भी छापामार कार्रवाई की थी। वहीं आबकारी विभाग लगातार शराब के अवैध निर्माण और जमाखोरी पर कार्रवाई कर गुलाहान जब्त किया है। सूचना मिली थी कि सिटी सेंटर की जो होटल है और जो छोटे छोटे पब और रेस्टोरेंट बने हुए, इनमें शराबनोशी और शराबखोरी का कारोबार चल रहा है। तो भी गए तो 5 जगह हम लोगों ने छापा मारा। यहाँ पे रेड स्टोन, रेंजर कैफे, चावला चिकन, TDR और हैशटैग, इनमें 2 जगह हमको मदिरा बरामद हुई है। 2 प्रकरण कायम किए।